देश की संसद का उद्घाटन हो गया, उद्घाटन के साथ विवाद भी हुआ, किसी ने संसद को ताबूत बता दिया तो किसी ने कलंक करार दे दिया, लेकिन सनातनी परंपरा से मोदी ने संसद का उद्घाटन कर दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया आई है नीरव मोदी की। जी हां, भगोड़ा नीरव मोदी, उसने भी दोनों संसद भवनों पर प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया के तौर पर निशाना साधा है शाहरुख खान पर। जी हां, शाहरुख खान और अक्षय कुमार पर नीरव मोदी ने निशाना साधा। निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन जब निशाना साधा गया तो फिर नीरव मोदी के पीछे भी सोशल मीडिया पर जमकर उनकी ट्रोलिंग हुई। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो इससे पहले माई पार्लियामेंट माई प्राइड के नाम से एक हैशटैग जो है वो काफी ट्रेंड करता रहा। ट्रेंड करने की पीछे की वजह यह रही कि संसद को लेकर भारत में कई सारे सेलिब्रिटीज ने संसद भवन के वीडियोस को शेयर करते हुए उसमें अपना वॉइस ओवर भी दिया और साथ ही अपनी भावनाओं को भी बताया। इन भावनाओं को बताने वालों में शाहरुख खान थे, अक्षय कुमार भी थे, लेकिन नीरव मोदी ने जब शाहरुख खान और अक्षय कुमार के इस वीडियो को देखा तो देखने के बाद में सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया दी वो आपको भी देखनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को नीरव मोदी के बारे में नहीं पता है उनको 10 सेकंड में बता दें कि नीरव मोदी दरअसल जो है वो पंजाब नेशनल बैंक से हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाकर विदेश भाग गए 2018 में और तब से ही वो देश से फरार हैं। लगातार उन्हें भारत वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ट्वीट कौन सा किया और इस पर लोगों ने किस तरीके से उन्हें लताड़ लगाई है वो भी बताते हैं आपको। लताड़ लगाने वालों में कई सारे वेरीफाइड यूजर हैंडल्स भी हैं, लेकिन पहले नीरव मोदी का ट्वीट। दरअसल नीरव मोदी ने दो वीडियोज को शेयर किया, एक वीडियो जो है वो नई संसद के लोकसभा का है, दूसरा वीडियो जो है वो राज्यसभा का है। दोनों वीडियो को शेयर करते हुए नीरव मोदी ने लिखा, यस्टरडे इंडियन एक्टर SRK एंड कैनेडियन एक्टर अक्षय कुमार ट्वीटेड देयर स्पीचेस फॉर माई पार्लियामेंट माई प्राइड। यानी कि कल शाहरुख खान, एक्टर शाहरुख खान और कैनेडा के एक्टर अक्षय कुमार ने अपने दो स्पीच जो है वो उन्हें ट्वीट किया। मैं इन दोनों स्पीचेस के आखिरी के 15 सेकेंड जो है वो शेयर कर रहा हूं। इन फर्स्ट स्पीच SRK इज रिक्वेस्टिंग टू इंटैक्ट इंडियाज ग्लोरी दैट वॉज स्टार्टेड बाई पंडित नेहरू एंड एंडिंग हिज स्पीच विद जय हिंद। यानी कि पहली स्पीच में शाहरुख ने भारत की ग्लोरी को इंटैक्ट रखने की रिक्वेस्ट की है जो कि नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी, और इसके साथ ही शाहरुख ने अपने भाषण को जय हिंद कहते हुए खत्म किया। तो ये नीरव मोदी ने इस वीडियो से ऑब्जर्व किया। और दूसरे वीडियो को लेकर नीरव मोदी लिखते हैं कि अक्षय कुमार जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को थैंक कह रहे हैं और डिनाई कर रहे हैं कि भारत की जो अस्तित्व है वो साल 2014 से पहले था। तो दोनों में कंपेयर करते हुए नीरव मोदी ने लिखा, इसके आगे वो लिखते हैं, दिस इज द डिफरेंस, यही वो अंतर है, दिस इज वाई SRK हैज स्पाइन, और इसीलिए शाहरुख जो हैं वो रीढ़ विहीन नहीं हैं। यानी कि उनके रीढ़ है स्पाइनलेस, और स्पाइन जो है अंग्रेजी के टर्म है जिसमें ये कहा जाता है कि रीढ़ विहीन अगर आप हैं तो आप जो हैं आपका कोई अस्तित्व है नहीं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने शाहरुख की तारीफ करते हुए कहा है कि शाहरुख हैज स्पाइन, और उसके आगे जो लिखते हैं उससे आप समझ जाएंगे, दिस इज वाई SRK विल ऑलवेज रिमेन द किंग, और यही वजह है कि शाहरुख जो हैं वो हमेशा बादशाह रहेंगे। और अक्षय कुमार के लिए लिखते हैं नीरव मोदी कि अक्षय विल रिमेन बूट लिकर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जूते चाटने वाला अक्षय कुमार को उन्होंने कहा है सरकार का। लेकिन इसके आगे अहम हो जाता है देखना, नीरव मोदी कहते हैं RW क्या है वो भी बताते हैं। लेकिन इनके इस वीडियो को देखने के बाद में या इनके इस ट्वीट को देखने के बाद में लोगों ने रिएक्शन क्या दिए वो भी गौर करने लायक है। वोकफ्लिक्स नाम के एक वेरीफाइड यूजर है वो लिखते हैं, तू तो बूट लिकिंग करना बंद कर अब, नीरव मोदी को टारगेट करते हुए लिखते हैं, जिस पर नीरव मोदी वो भी जवाब देते हैं। जवाब में वो क्या कहते हैं ये आप खुद पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ उन्होंने, ये अभी पढ़ने योग्य भी नहीं है। आगे कहते हैं कि जिस दिन --, अक्षय कुमार और RW को, अक्षय को और RW को, RW यहां पर क्या है आपको बता दें, RW जो है वो राइट विंगर्स को ट्विटर पर कहा जाता है, हिंदुओं को RW जो है वो कहा जाता है। हालांकि कई सारे हिंदू इस चीज से डिनाई भी करते हैं कि वो RW नहीं है, लेकिन जो लोग हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश करते हैं या राइट विंगर्स को टारगेट करने की कोशिश करते हैं वो सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर खासतौर पर RW का इस्तेमाल करते हैं, और इसी RW का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को कहते हैं भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हुए, और आगे कहते हैं कि मैं ऐसी ट्वीट्स बंद कर दूंगा। तो ये नीरव मोदी का जवाब है।
थोड़ा हैरान करने वाला जवाब है। और इसी पर आगे गौरव अग्निहोत्री नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि भाई कौन सी फूंकते हो। तो नीरव मोदी के कमेंट करने के बाद में, संसद पर कमेंट करने के बाद में, इस तरीके से लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। RW कर नीरव मोदी ने कमेंट किया था और शाहरुख की तारीफ की थी क्योंकि उन्होंने नेहरू के युग की जो विरासत थी उसको आगे बढ़ाने की बात जो है कही थी, और अक्षय कुमार ने 2014 से पहले अस्तित्व न होने की बात की थी। इसे लेकर नीरव मोदी जो है अक्षय कुमार को टारगेट कर रहे थे। लेकिन नीरव मोदी वाकई कुछ बोलने लायक हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नीरव मोदी खुद देश का भगोड़ा है। करोड़ों रुपए इस देश के लोगों का लेकर वो भारत से फरार हुआ। पंजाब नेशनल बैंक का भी इसमें काफी नाम आया और अभी उसे भारत लाने की कवायद जो है वो जारी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर और संसद को लेकर जो बयान दिया, उन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? आपकी जो भी राय, चक्र कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।